पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने हाई हामा कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि अगर ये लोग इंतखाबी धांधली नहीं करते तो यहां 1,00,000 लोग कब्रों में नहीं होते। इनका कहना था कि ये सैलानी हैं और इनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। तस्दील होगी उन लोगों की जो इस वक्त कब्र में है, उनको किसने मारा है, ये क्या बोलते हैं जो 87 के चोर हैं जिनने गन ठोसा इस कौम पर और उसके बाद 1,00,000 लोग जो हैं वो कब्रों में हैं इस वक्त वायलेंस की वजह से। ये बता रहे हैं सैक्रिफाइस, इनका लाल झंडा खून का झंडा है जो खून ने बहाया है और अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, ये याद रखना। देखिए एलजी साहब को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन से ही पता चलता है कि सच क्या, ओपिनियन पोल से नहीं। मुझे लगता है जो उनने बात कही है शायद उनको सोचना चाहिए इस पर, और मैं अगर उनकी जगह होता तो ये बयान वापस ले लेता क्योंकि इट्स अगेंस्ट द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इवन जो मोदी जी हैं वो भी इलेक्शन से ही आए हैं ना, ओपिनियन पोल से नहीं आए हैं, अभी हमने तो वेलकम किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो बाकी भी बंद हैं जो बेचारे बाहर के जेलों में बिल्कुल बंद है, अल्लाह करे, और हमारी ये अपील है सरकार से कि वो उनको भी नहीं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज कुपवाड़ा में आए थे टूरिस्ट साहब तो यहाँ तो उनने कोई सीट 14 में भी नहीं जीती है, 80% पोलिंग डिलिमिटेशन नहीं है, और अगर उनका डिलिम जो जो अलग हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हंदवाड़ा की बात मैंने सुनाया हो रही थी, वहां जो इलाका अलग उसमें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीड थी। तो लीड लेनी है। और वादी कश्मीर में खुशकसाली की वजह से किसान और फ्रूट ग्रोवर्स परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में भी ऐसी ही सूरत से यहां पर भी घास सूख चुकी है और इसके साथ साथ नदी नालों में पानी की सतह भी कम हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने एक खुश आयन कदम उठाया था, वाटर पॉन्ड्स बनाए हैं लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और कई पॉन्ड्स में तो पानी मयसर नहीं है, जिसकी वजह से पानी के कहत के चलते अब चौपाए भी मुतासर हो रहे हैं। चारवाइन त्रोश कु बनाया डैम या माज योड़ मगर यम पूरे खुश मौसम तमे आई وبر وبر کھسان مگر رودا پیوان کہین گاس واس سہ آج دود تمام کھینچو تھی پنہ وچو چارپا بھی اس قحط سال سے گزر رہے ہیں، اگرچہ مقامی لوگ جنگلات کی طرف گرمیوں میں رخ کرتے ہیں تاکہ چارپا ہے جہاں پہ پانی میسر نہ ہو وہاں پہ وہ پانی پی سکتے تھے آ رہے ہیں۔ ارشاد ملک، نیوز 18 نیٹ ورک، شوپیان۔ اور قائد